नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस। दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा, 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी छोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। संस्कृति इंटरनेशनल स्कूल, कंकाली मंदिर के निकट, रामबाग, दरभंगा। प्ले स्कूल की उत्तम व्यवस्था, नर्सरी से 8वीं कक्षा तक को एजुकेशन, एडमिशन ओपन। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI technology from TVS. Eco Thrust FI, यानी ETFI, जो दे 15% ज्यादा माइलेज। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद नियर WIT दरभंगा, रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन इज गोइंग ऑन फॉर सेशन 2021-22। वी हैव नो एनी अदर ब्रांच इन दरभंगा। आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर, टावर चौक, दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार, फिजिक्स गुरु के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ, नाका 5 उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। मिथिलांचल का पहला फुल्ली एयर कंडीशन डे बोर्डिंग स्कूल विद 3 course meal, सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल, VIP रोड, अललपट्टी, नियर मारुति शोरूम, दरभंगा। एडमिशन ओपन। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। होली स्पेशल कलेक्शन आप और आपके परिवार के लिए। एक्शन मोड में दरभंगा पुलिस, IG ने की मैराथन बैठक, सवालों के साथ कार्रवाई की भी ताकीद। पेड़ की टहनी से लटकता मिला युवक का शव, हत्या की FIR दर्ज। स्कूल के गेट में दौड़ा बिजली का करंट, एक छात्रा की मौत, कई विद्यार्थी घायल। मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत प्रखंड संसाधन सेवी पर नियुक्ति हेतु कंप्यूटर दक्षता परीक्षा आयोजित। स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए मिथिला पेंटिंग के कलाकार दे रहे अनोखे संदेश। बिहार में कोरोना के 90 नए मरीज, आंकड़ा 262,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 436। दरभंगा में भी बड़ी संख्या, मिले 2 नए पॉजिटिव केस। लक्ष्मी सागर का युवक निकला कोरोना संक्रमित, प्रशासन अलर्ट। और कोरोना को लेकर दरभंगा में मास्क चेकिंग अभियान तेज। और खबरें अब विस्तार के साथ। एक्शन मोड में दरभंगा पुलिस, IG ने की मैराथन बैठक, सवालों के साथ कार्रवाई की भी ताकीद। मिथिला क्षेत्र दरभंगा के पुलिस महानिरीक्षक अजिताभ कुमार पहुंचे सदर SDPO अनोज कुमार के कार्यालय पर। विभिन्न थाना क्षेत्र अंतर्गत कई मामलों का किया गया इंस्पेक्शन। इस अवसर पर दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम, नगर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार प्रसाद, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा अनोज कुमार सहित कई पुलिस पदाधिकारी, कई थानों के अध्यक्ष मौजूद थे। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा के कार्यालय प्रांगण में एक टेंट लगाया गया था और उसी के अंदर करीब दिन के 1 बजे से लेकर शुक्रवार देर शाम तक इंस्पेक्शन चलता रहा। पूरी की पूरी पुलिस महकमा की टीम जुटी रही। पेड़ की टहनी से लटकता मिला युवक का शव, हत्या की FIR दर्ज। पेड़ की टहनी से लटकता मिला युवक का शव, हत्या की प्राथमिकी दर्ज। अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के चंदन पट्टी निवासी हीरा शाह के 20 साल के बेटे निराले शाह की लाश छेदा चौर में एक बगीचे में आम की टहनी में लटकती हुई मिली है। बताया जा रहा है कि गांव के लोग घास के लिए जब इस चौर में गए तो आम के पेड़ में साड़ी से गले में फंदा लगा एक शव को लटकते देखा। इसकी सूचना जंगल में आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। काफी संख्या में लोग वहां जुट गए। सूचना APM थाने को भी दी गई। जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए DMCH भेजा गया। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो शव के निकट एक पेटीकोट रखा हुआ था, वहीं दूसरा पेटीकोट उसके कमर में जींस पैंट के ऊपर से पहना हुआ था तथा तीसरे पेटीकोट से उसका चेहरा ढका हुआ था। मृतक के पिता हीरा शाह ने बताया कि सुबह करीब 8 बजे निराले घर से निकला था। करीब 11 बजे लोगों ने बताया कि उसका शव पेड़ से लटक रहा है। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। इधर घटना की सूचना पर सदर SDPO अनुज कुमार भी पहुंचे। उन्होंने भी मामले की जांच की है, पूछताछ की जा रही है। मृतक 5 भाइयों में चौथे नंबर पर था। इस संबंध में थानाध्यक्ष ने बताया कि मृतक की मां उमति खातून के आवेदन पर APM थाने में हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है।
सबसे चौंकाने वाला पहलू पूरे मामले में यह है कि लाश के साथ कई पेटीकोट भी वहां से बरामद हुए हैं। एक पेटीकोट जमीन पर पड़ा हुआ मिला है, एक कमर में पहना हुआ और एक पेटीकोट से उसका चेहरा ढका हुआ है, जबकि फंदा साड़ी से लगाया हुआ है। तो सबसे बड़ी बात यह है, कहीं मामले की जांच को दूसरा रूप देने के लिए तो नहीं ऐसा किया गया है, या फिर इस पेटीकोट और साड़ी का कनेक्शन क्या है मौत के इस मामले से। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है, लेकिन दरभंगा में थम नहीं रहा अपराध और उस पर यह एक नई घटना। पुलिस कितनी देर में इस मामले को सुलझा पाती है, कितने घंटे में या फिर कई दिनों में, यह देखना अभी बाकी है। इसका मोहम्मद निराले साहब, ये खस्सी बकरी का काम कर, ये जब से पैदा हुआ, जब होशियार हो गया तब से कर रहा है, इसका कोई साल नहीं, ये अपने पापा की मदद करता है। अभी 20 साल का है, ये कमरान स्कूल मेडिकल में पढ़ा है, 8 तक या 9 तक पढ़ा हुआ है। 5 भाई है, बहन एक भी नहीं है, चौथे पर नंबर है। ये जहाँ हुआ है 10-11 बजे की बात है, उधर बकरी वाली सब चिल्लाते आई है कि कोई लेडीज को फांसी लगा दिया, इसको साया ब्लाउज और साड़ी में लपेट के मारा। स्कूल के गेट में करंट, एक छात्रा की मौत, कई विद्यार्थी घायल। स्कूल के गेट में दौड़ा करंट, एक छात्रा की मौत, कई की हालत गंभीर। दरभंगा के जाले में उच्च माध्यमिक विद्यालय के एक गेट में करंट दौड़ने से एक छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई है, वहीं कई स्टूडेंट्स गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार दरभंगा के जाले के उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक लोहे के गेट में बिजली का नंगा तार सट जाने से उसमें करंट दौड़ रहा था, एक छात्रा उसकी चपेट में आ गई। अपनी सहपाठी को तड़पता देख अन्य कई स्टूडेंट उसे बचाने गए, जिसमें से आधा दर्जन के बच्चे करंट की चपेट में आ गए। हालांकि बाकी बच्चों की हालत स्थिर है और उन्हें कोई खतरा नहीं बताया जा रहा है, लेकिन एक बच्ची की मौके पर ही झुलसकर मौत हो गई है करंट से। इन बच्चों को निजी और सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है जो घायल हैं। हालांकि सबकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। स्कूल के गेट में करंट आने से एक छात्रा की मौत की दुखद खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंचे सीओ और बीडीओ को ग्रामीणों ने स्कूल में बंधक भी बना लिया। प्रभारी जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया ने घटना की पुष्टि करते हुए घटना पर गहरा दुख जताया है, उच्च स्तरीय जांच की बात कही है और उन्होंने कहा है कि किसी की लापरवाही से यह दुर्घटना हुई है और लापरवाह व्यक्ति चाहे वह कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। मध्यान्ह भोजन अंतर्गत प्रखंड साधन सेवी पर नियुक्ति हेतु कंप्यूटर दक्षता परीक्षा का हुआ आयोजन। मध्यान्ह भोजन योजना अंतर्गत प्रखंड संसाधन सेवी पर नियुक्ति हेतु कंप्यूटर दक्षता परीक्षा का आयोजन किया गया। समाहरणालय सभागार में इस कंप्यूटर टेस्ट परीक्षा में कई अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। पहले रिटन टेस्ट इसका हो चुका है। इस परीक्षा के बाद अनुभव के आधार पर मेधा सूची और जो मेधा सूची में आएंगे उनको चयनित किया जाएगा। विभाग का मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत प्रखंड साधन सेवी पर बीआरपी के लिए यहाँ पर आज कंप्यूटर टेस्ट हो रहा है। उसमें योग्यता थी कि हमारी इसका रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है। आज इनका कंप्यूटर दक्षता परीक्षा लिया जा रहा है और फिर अनुभव के आधार पर समेकित बनेगी मेघा सूची और उसमें जो आएंगे चयन मेघा सूची में उनको चयन किया जाएगा प्रखंड साधन सेवी पद के लिए। ये इनका इंटरमीडिएट, उनका न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट थी, इसके अलावा कंप्यूटर ज्ञान मांगा गया था, उसमें पूरे जिले के जो है अभ्यर्थी प्रिपेयर हुए थे और ये अभी जो है कंप्यूटर टेस्ट NIC द्वारा लिया जा रहा है। NIC इसको ऑर्गेनाइज कर रही है, हर बैच में 40-40 से हम एक साथ बैठा रहे हैं, कंप्यूटर हिंदी इंग्लिश राइटिंग का टेस्ट हो रहा है। ये रिटेन टेस्ट हो चुका है, फिर इसका होगा कंप्यूटर टेस्ट होगा, दोनों का मार्क्स वगैरह जोड़ा जाएगा, फिर समेकित मेगा सूची बनेगी और उनका चयन प्रखंड साधन सेवी पद के लिए होगा। जब हम लोग फॉर्म भरे थे तो कुछ बताया ही नहीं था, ये तो जो है सो अभी जो है तो 2 दिन पहले मैसेज आया कि आप लोगों का कंप्यूटर का टेस्ट होने वाला है टाइपिंग का। यदि पहले पता रहता तो कुछ हम लोग प्रैक्टिस भी करते, कुछ कोशिश भी करते। इस समय में हम लोग भरे थे फॉर्म, उस समय में हम लोगों को ये नहीं पूछा गया था जो मतलब जो कंप्यूटर टेस्ट भी होगा, ये चीज था जो कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, कॉन्टेक्ट बेसिस पर है। स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए मिथिला पेंटिंग के कलाकार दे रहे अनोखे संदेश। स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने तथा दरभंगा को स्वच्छ एवं स्वस्थ रखने के लिए दरभंगा नगर निगम द्वारा स्वच्छता अभियान कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इसी कार्यक्रम के तहत दरभंगा नगर निगम द्वारा लहेरियासराय के कर्पूरी चौक पर मिथिला पेंटिंग कलाकारों द्वारा स्वच्छता अभियान से संबंधित पेंटिंग बनाकर दिए जा रहे हैं अनोखे संदेश। नगर निगम के तरफ स्वच्छ भारत अभियान के बनाया जा रहा है जो कि संदेश दे रहा है कि भारत को दरभंगा को स्वच्छ रखे,
और स्वस्थ रहेगा तो हम लोग बीमारी भी दूर रहेगा, और इसी उद्देश्य से हम लोग ये स्वच्छ भारत अभियान बना रहे हैं, ये तस्वीर बना रहे हैं ये स्वच्छ भारत अभियान के। इसे संदेश दे रहे हैं कि इसे देख कम से भी सब पालन करें और हमारे भारत को, हमारे दरभंगा को स्वच्छ और स्वस्थ रखें। हम द्वारा बना बोला गया है बनाने के लिए कर्पूरी चौक पे मिथिला पेंटिंग स्वस्थ भारत के, स्वस्थ भारत क्या इस मामलों से हम लोग संदेश देना चाहते हैं। हम लोग अच्छा सफाई सुथरा के चलते हम लोग बना रहे हैं, जैसा वहाँ के चलते गंदगी उनकी फैलाया रहता है लोग उसका भी कारण सफाई सुथरा अभियान बना रहे। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल, दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किसना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज, आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा, होली स्पेशल कलेक्शन आप और आपके परिवार के लिए, मेंस, गर्ल्स, लेडीज एंड किड्स वेयर, अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल ड्रेसेस, अग्रवाल मेंस टच एंड अग्रवाल यूनिफॉर्म। हाईडीप लिक्विड डिटर्जेंट जे दोसर सर्फ के अपेक्षा कपड़ा के पूरा चिकनाई एवं सफाई के साथ रंग के सेहो 100% गारंटी दे। जी डी इंटरनेशनल कंपनी सिलवासा के उत्पादन हाईडीप टॉयलेट क्लीनर, हाईडीप लिक्विड डिटर्जेंट, हाईडीप ब्लैक फिनाइल और हाईडीप हैंड वॉश बाजार के सब दुकान में उपलब्ध है। यह सब प्रकार के साफ सफाई के उत्पादन, तो घर में साफ सफाई के लिए मात्र प्रयोग करो जी डी इंटरनेशनल कंपनी के उत्पाद। दरभंगा और लहेरिया सराय में खरीदिए अपने सपनों का घर, ओम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पेशकश, रामेश्वरम एंड ओम गौरी अपार्टमेंट्स, 2 and 3 BHK सुपर डीलक्स फ्लैट्स, लग्जरी ऑल अराउंड विथ पार्किंग एंड ऑल एमिनिटीज, लिफ्ट की सुविधा के साथ रूफ टॉप स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ। मार्बल वर्ल्ड सैद नगर बुलेट एजेंसी के सामने लहेरिया सराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने दरभंगा, सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज, थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। कैसा देखते हैं आप अपना कल, क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया। आइडियल पाथ नाका 5 के निकट उमा सिनेमा के सामने दरभंगा, और प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, जेईई मेन एंड एडवांस, प्लस 2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, 7, 8, 9, 10th एंड NTSC KVPY ओलंपियाड, के सर द्वारा संचालित। ब्रेक के बाद एक बार आप सबका स्वागत, बढ़ेंगे आगे नजर एक बार फिर हेडलाइंस। एक्शन मोड में दरभंगा पुलिस, आईजी ने की मैराथन बैठक, सवालों के साथ कार्रवाई की भी ताकीद। पेड़ की टहनी से लटकता मिला युवक का शव, हत्या की FIR दर्ज। स्कूल के गेट में दौड़ा बिजली का करंट, एक छात्रा की मौत, कई विद्यार्थी घायल। मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत प्रखंड संसाधन सेवी पर नियुक्ति हेतु कंप्यूटर दक्षता परीक्षा आयोजित। स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए मिथिला पेंटिंग के कलाकार दे रहे अनोखे संदेश। बिहार में कोरोना के 90 नए मरीज, आंकड़ा 2,62,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 436। दरभंगा में भी बड़ी संख्या, मिले 2 नए पॉजिटिव केस। लक्ष्मी सागर का युवक निकला कोरोना संक्रमित, प्रशासन अलर्ट। और कोरोना को लेकर दरभंगा में मास्क चेकिंग अभियान तेज। बिहार में कोरोना के 90 नए मरीज, आंकड़ा 2,62,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 436। बिहार में कोरोना के 90 नए मरीज, आंकड़ा 2,62,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 436। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में कोरोना के 90 नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बिहार में 2,62,767 पर पहुंच गई है, हालांकि टोटल एक्टिव केस 436 बताए जा रहे हैं। सबसे अधिक पटना में 26, अररिया में 3, अरवल में 1, औरंगाबाद में 1, बेगूसराय में 5, भागलपुर में 7, दरभंगा में 2, पूर्वी चंपारण में 3, गया में 3, गोपालगंज में 1, जमुई में 1, जहानाबाद में 1, कैमूर में 1, कटिहार में 1, खगड़िया में 1, किशनगंज में 1, मधेपुरा में 1, मधुबनी में 1, मुंगेर में 4, मुजफ्फरपुर में 2, नालंदा में 3, नवादा में 3, सहरसा में 4, समस्तीपुर में 1, सारण में 1, शिवहर में 1, सीवान में 4, सुपौल में 3, वैशाली में 2 और पश्चिम चंपारण में कोरोना के 2 नए मरीज मिले हैं। दरभंगा में भी बड़ी संख्या, मिले 2 नए पॉजिटिव केस।
दरभंगा में भी बढ़ी कोरोना मरीजों की संख्या, मिले दो नए पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दरभंगा में कोरोना के दो नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या दरभंगा में भी धीरे धीरे ही सही लेकिन बढ़ रही है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फॉरन लौटेंगे। क्वालिटी एजुकेशन विद ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड, हेयर इंग्लिश स्कूल दरभंगा, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, जीपीएस इनेबल्ड बेस ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सीसीटीवी सर्विलांस, 5 acres एनवायरमेंट फ्रेंडली कैंपस, ऑल क्लासरूम्स आर एज पर सीबीएसई नॉर्म्स, नो रीएडमिशन चार्जेस फॉर ओल्ड स्टूडेंट्स। केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज लहेरिया सराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। ब्रेक के बाद एक बार आप सबों का स्वागत, बढ़ेंगे आगे नजर एक बार फिर हेडलाइंस। एक्शन मोड में दरभंगा पुलिस, आईजी ने की मैराथन बैठक, सवालों के साथ कार्रवाई की भी ताकीद। पेड़ की टहनी से लटकता मिला युवक का शव, हत्या की एफआईआर दर्ज। स्कूल के गेट में दौड़ा बिजली का करंट, एक छात्रा की मौत, कई विद्यार्थी घायल। मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत प्रखंड संसाधन सेवी पर नियुक्ति हेतु कंप्यूटर दक्षता परीक्षा आयोजित। स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए मिथिला पेंटिंग के कलाकार दे रहे अनोखे संदेश। बिहार में कोरोना के 90 नए मरीज, आंकड़ा 262,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 436। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले दो नए पॉजिटिव केस। लक्ष्मी सागर का युवक निकला कोरोना संक्रमित, प्रशासन अलर्ट। और कोरोना को लेकर दरभंगा में मास्क चेकिंग अभियान तेज। लक्ष्मी सागर दरभंगा का युवक निकला कोरोना संक्रमित, प्रशासन सतर्क। लक्ष्मी सागर का युवक निकला कोरोना संक्रमित, प्रशासन सतर्क। डीएमसीएच के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में संचालित आरटीपीसीआर जांच में 18 दिनों के बाद 3 मरीजों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके पूर्व 1 मार्च को एक व्यक्ति आरटीपीसीआर जांच में संक्रमित निकला था। परिणाम स्वरूप अस्पताल प्रशासन सतर्क हो गया है। संबंधित संक्रमित व्यक्ति को सूचित कर आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया जाएगा। उधर कोरोना वार्ड में गुरुवार को 2 मरीजों को भर्ती कराया गया है। इस प्रकार वार्ड में अभी तक 11 मरीजों का उपचार चल रहा है। और कोरोना को लेकर दरभंगा में मास्क चेकिंग अभियान तेज। कोरोना को लेकर दरभंगा में मास्क चेकिंग अभियान तेज। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर दरभंगा में भी मास्क चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है। सिटी एसपी अशोक प्रसाद भी सड़क पर उतरे। उन्होंने विभिन्न जगहों पर चल रहे कोरोना जांच अभियान का स्वयं जायजा लिया। लोगों को बिना मास्क के पाए जाने पर 50 रुपए का चालान काटा जा रहा है। एसएसपी बाबूराम ने सख्त निर्देश दिया है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हर हाल में करना है। लोगों से आग्रह भी किया गया है कि मास्क लगाकर ही घर से निकलें। ये तब तक के समाचार, बिदलेंगे आपसे नजर एक बार फिर हेडलाइंस। एक्शन मोड में दरभंगा पुलिस, आईजी ने की मैराथन बैठक, सवालों के साथ कार्रवाई की भी ताकीद। पेड़ की टहनी से लटकता मिला युवक का शव, हत्या की एफआईआर दर्ज। स्कूल के गेट में दौड़ा बिजली का करंट, एक छात्रा की मौत, कई विद्यार्थी घायल। मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत प्रखंड संसाधन सेवी पर नियुक्ति हेतु कंप्यूटर दक्षता परीक्षा आयोजित। स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए मिथिला पेंटिंग के कलाकार दे रहे अनोखे संदेश। बिहार में कोरोना के 90 नए मरीज, आंकड़ा 262,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 436। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 2 नए पॉजिटिव केस। लक्ष्मी सागर का युवक निकला कोरोना संक्रमित, प्रशासन अलर्ट। और कोरोना को लेकर दरभंगा में मास्क चेकिंग अभियान तेज। ये थी अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार।